ये हैं अपने सो कॉल्ड बुढ़ापे में अपनी रिटायरमेंट वाले दिन T20 इंटरनेशनल्स के विराट कोहली, मतलब अपने करियर के लास्ट के विराट कोहली, जिनकी पीक काइंड ऑफ ख़त्म हो चुकी है, राइट। अब ये हैं आपके सामने अपनी जवानी की पीक की क्रिकेट के बाबर आजम, और पेट लटका हुआ अपनी पीक पे। ये दोनों तस्वीरें दिखाने का मकसद आपको ये है कि ये जो आप एक कंपैरिजन करते हैं ना, अजीब सा, बंद कर दें, आपकी ज़ुबान पे क्या, आपके दिमाग में भी ये कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। ये तस्वीरें मैं दिखाता नहीं होता, लेकिन मुझे हैरानगी है, ये बाबर आजम की तस्वीर दोबारा आप देखें। ये मैं इंटरनेट पे देख रहा था और उसके नीचे पता क्या कॉमेंट आ रहे थे, इसके नीचे कॉमेंट आ रहे थे कि जी किंग बाबर नंगे पाँव अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, नंगे पांव भाग रहे हैं, हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग फिटनेस लेवल, हैशटैग ब्ला ब्ला ब्ला। लोग अंधे हो चुके हैं, लोग डिनाइल में हैं, लोगों के आंखों के आगे ना पट्टी है, उनको नज़र नहीं आता कि जो देखने वाली चीज़ है वो देखो। क्या बेवकूफ़ लोग हैं कि आप लोगों ने नकली हीरोज़ बनाए हुए हैं, और इन हीरोज ने, इन सो कॉल्ड हीरोज ने तमाम पाकिस्तानियों को धोखा दिया। धोखा ही है ना ये, आप इतना इनसे प्यार करते हैं, इनसे लगाव करते हैं, इनको आपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, आप अपने घर वालों के ऊपर क्रिकेट को प्रायोरिटी देते हैं, घर वालों के काम नहीं करते कि मैंने क्रिकेट देखनी है, मतलब यू आर गिविंग मोर प्रायोरिटी टू दीज क्रिकेटर्स, और ये आपको रिटर्न में क्या दे रहे हैं, धोखा। इनकी जिम्मेदारी है ना अपनी फिटनेस का ख्याल रखना यार, दुनिया जहां का इनको पैसा मिलता है, पाकिस्तान में क्रिकेट उन प्रोफेशन, क्रिकेट इज अ प्रोफेशन बाय द वे, इसको कोई दिल पे ना ले, ये कोई खिदमत नहीं हो रही मुल्क की, ठीक है, पैसा लेते हैं ये लोग। तो क्रिकेट उन प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है जो करोड़ों रुपया कमाते हैं महीने का, दे हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज, दे कैन हायर बेस्ट ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड। इनमें से कोई एथलीट पाकिस्तान का आज चाहे ये अमेरिका लंदन जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी जिम से, किसी ट्रेनर से, किसी फिजियो से उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे। रोटी भी तो खानी होती है, रोटी खानी है यहाँ पे, मुर्गे खाने हैं, मटन खाने हैं, कढ़ाइयाँ खानी हैं, तेल शेल होना चाहिए, चर्बी में दुम्बा बनाना है, तो वो लंदन में, न्यूयॉर्क में, वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी मिलना है, वो तो देसी मुल्कों में मिलना है। जिस दिन इनमें हिम्मत आ गई ना, वो आपको वो पिक्चर याद हैं भी, इंडियन टीम यहाँ वेस्ट इंडीज़ में शर्ट उतार के बीच पे गेम खेल रही थी, जिस दिन इनमें हिम्मत आ गई ना कि ये शर्ट उतार के बीच पे गेम खेल लें, जिस दिन इनमें हिम्मत आ गई कि ये अपनी बॉडी दिखा सकें फुल कॉन्फिडेंट के साथ कि देखो हमने अपनी बॉडी पे काम किया है, उस दिन मैं मानूंगा कि इन्होंने अपने फिटनेस पे काम किया है।